वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या, इक्वेशन है मेरे पास और मैंने वैल्यू फ्रॉम वाई की फाइंड करनी है और एक्स की गिवन है। सो मैं यहाँ पर राइट करती हूँ कि मेरे पास गिवन ये है, गिवन डैट ये गिवन है कि 2y जो है ना माइनस 7x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 है और x की वैल्यू भी गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूट करा दूँगी, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूँगी इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो फुल भी। इस इक्वेशन में जहाँ पर x होगा वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। क्या इक्वेशन में 2y है, राइट कर देते हैं, माइनस है 7 है, एक्स आ गया, एक्स की जगह अब हमने 3 पुट कर देना, इक्वल टू नेगेटिव 3। 2y का 2y आ जाएगा, 7 3 टाइम 21 आ जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव 3। 2y यहीं पर रह जाएगा, नेगेटिव 3 यहीं पर रह जाएगा, इधर नेगेटिव 21 है, उधर जाके ये पॉजिटिव 21 हो जाएगा। आपको पता है कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पर जाए उसका साइन चेंज हो जाता है। इधर नेगेटिव 21 है, इधर आके पॉजिटिव 21 हो जाना। फिर 21 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। प्लस माइनस होता, माइनस है साइन कौन सा आता है, जो बिगर टर्म के साथ होता है। तो बिगर टर्म 21 है कि 3 है, 21 है उसका प्लस है तो इधर प्लस ही आना है। तो जो जहाँ पर कोई साइन नहीं होता हमें पता वहाँ पर प्लस ही होता है। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और तो हम क्या करेंगे, इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 9 होता है। तो वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इक्वेशन गिवन थी, एक्स की वैल्यू गिवन थी, वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया। आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से, विजिट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।